कमोन शनाया, बैक फुट पर आकर खेलो। वाओ, इस शनाया तो अच्छे नहीं बहुत अच्छा खेल पियो। सॉरी, शनाया? अगर शनाया यहाँ है तो ग्राउंड पर उसकी जगह कौन खेल रहा है? फालतू? इतनी रात को कौन हो सकता है? मलिक जी आइए, अंदर आइए, बैठिए। जी मलिक जी, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है सर, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए इतनी रात को यहाँ चला आया। जी मैं भी जानना चाहूंगा, ऐसी क्या जरूरी बात थी जिसके लिए आप मुंबई से यहाँ तक आ गए, और आपको पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ? बहुत मुश्किल से पता लगाया है सर, तो जरूरी बात थी इसलिए आया। वो मेरे हार्ट इश्यू की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए गाँव चला गया, इसलिए पता नहीं चला कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है। वो मुंबई आया तो सब लोगों ने बताया कि कनिका मैडम ने आपके साथ क्या किया है। जो भी हुआ सर, बहुत गलत हुआ। जी क्या ही कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका घर और बिजनेस आपको फिर से वापस मिल सकता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैंने आपकी कंपनी का 35 साल नमक खाया है, बहुत सारे एहसान है आपकी कंपनी के मुझ पर, अब मेरी बारी है वो एहसान चुकाने की। लेकिन मलिक जी और कोई रास्ता नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर एंगल से इस केस के बारे में सोचा और मुझे कोई तरीका नहीं मिला जिससे हम अपना बिजनेस वापस ले सके। नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, एक तरीका है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका सब कुछ वापस दिलाने में। लेकिन कैसे? ये केस को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनी के सारे पेपर्स रेडी कर दिए हैं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि कनिका मैडम ने गलत तरीके से रुहान को ये बिजनेस बेचा है। ये पॉसिबल है सर।